नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ, फिट रहे इंडिया। पथरी यानी कि किडनी स्टोन्स, इसके बारे में हमने सभी ने सुना होता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी कम ही लोगों को होती है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है और इनका इलाज क्या है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, ये क्रिस्टल्स जब पेशाब के रास्ते में जम जाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं तो वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। नॉर्मली 1-2 मिलीमीटर से लेके 1-2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इतने बड़े भी स्टोन हो सकते हैं अगर आप पानी की मात्रा कम लेंगे। और ये चीज़ें जिनसे ये क्रिस्टल बनते हैं, इनकी मात्रा आप ज़्यादा लेंगे तो वो जमना शुरू हो जाएंगे। 5 मिलीमीटर के स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, उससे ऊपर के जो स्टोन होते हैं वो कहीं ना कहीं पेशाब के रास्ते में फंस जाते हैं और फिर उनको आगे इलाज की ज़रूरत पड़ती है। या तो वो लेज़र से इलाज होता है या वो ऑपरेशन से होता है, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड लोकेशन ऑफ द स्टोन। स्टोन सामने आ सकता है 2-3 तरीके से। तेज दर्द उठ रहा है पेट में और वो पेट के ज़रिए आगे की तरफ से पेशाब के रास्ते तक जा रहा है या पीठ में जा रहा है, तो वो दर्द किडनी स्टोन का हो सकता है। आमतौर पर ये दर्द बहुत सीवियर होता है। दूसरी चीज़ है कि पेशाब में पस पड़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बुखार आने लगेगा, पेशाब करने में जलन होगी और या फिर आपको पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाए। तो ये कॉमन तरीके हैं जिस तरीके से स्टोन हमारे सामने आते हैं और फिर हमें एक सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है कि भाई वो स्टोन कहाँ, कितनी मात्रा में, कहाँ कहाँ फंसे हैं और उनका फिर इलाज करना होता है। इसमें आपको अपना पानी का इंटेक ज़रूर अपटेक करना चाहिए। 4 लीटर के करीब पानी तो ज़रूर पीनी चाहिए। जितना आप वॉश आउट करोगे चीज़ों को, उतने वो स्टोन्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे बॉडी से। कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स है आप हमेशा ओवर द काउंटर लेके कभी नहीं करनी चाहिए। कोई डॉक्टर के कंसल्टेशन में या प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के हिसाब से ही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कितनी लेनी, कब लेनी, कैसे लेनी, ये बहुत ज़रूरी है। ऑक्सेलाइट रिलेटेड फूड को भी अपनी डाइट में थोड़ा सा कम करना चाहिए, जैसे कि ग्रेप्स है, सेलरी है, एस्पैरेगस है। विटामिन सी भी इस दौरान थोड़े से कम करने चाहिए बॉडी में, तो आपकी बी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा, विटामिन सी और कैल्शियम थोड़ा सा डिक्रीज होगा। नॉर्मल खाना खाओ, हल्का खाना खाओ। जहाँ तक हम प्रोटीन का की बात करें, प्रोटीन ना डाइट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। तो नॉर्मल खाना खाओ, जिसकी प्लेट में दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो। सब्जियों में पालक थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा लिमिट कर देना चाहिए बॉडी में। 2 पत्ते पालक अगर आप रोटी में बना के खा रहे हो एज स्टफ्ड रोटी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, मेडिटेशन क्या चीज़ है और मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, आज हम एक मेडिटेशन सीखेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी की क्षमता और बढ़ा सकते हैं। और इस मेडिटेशन में और बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले कि आपकी जो नॉर्मल ब्रेथ है, जिसको हम सांस लेना और छोड़ना, जो हमारा ऑटोमेटिक एक बॉडी का सिस्टम है, वो अपने आप में चेंज होता है। दूसरा, इस मेडिटेशन से हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है। डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन हेल्प करता है। बहुत सिंपल मेडिटेशन है। आपने दोनों हाथ अपने राइट और लेफ्ट हैंड है जो पैरेलल लेके आने हैं, और उसके बाद राइट हैंड जो है आप उसकी मुट्ठी, अपनी चारों फिंगर्स उनको मुट्ठी में बंद करिए और पर थंब को सीधा रखना है। लेफ्ट हैंड अब आप ऊपर से राइट हैंड को कवर करेंगे और जो थंब्स हैं उनमें एक वी बना देंगे। अपना फोकस इस वी पे रखेंगे। थोड़े सेकंड्स के लिए पहले अपना पोस्चर सेटल करना है, अपने शोल्डर्स रिलैक्स करने हैं और जो अपना नेक है उसको हम जालंधर बन, जो नेक लॉक कहते हैं, चिन थोड़ा सा अंदर लाना है। इधर आपने ब्रेथ का ध्यान देना है और वो ब्रेथ कैसे करनी है। जब आप 5 सेकंड के लिए इनहेल करेंगे धीरे धीरे, 5 सेकंड एक्सहेल करेंगे और एक्सहेल करने के बाद आप थोड़ी देर बिना ब्रेथ के यहीं पे होल्ड करेंगे। दूसरी चीज़ का ध्यान, आपकी आंखें 9/10 खुली हैं। अपना फोकस इसी पॉइंट पे दीजिए।
इसको आप 3 से 5 मिनट से 11 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि आप इसको जब आप कर देंगे तो अपने आर्म्स कोशिश करिए कि उनको सीधा ही रखिए, अपने एल्बोज नहीं बेंड करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में, यानी कि वो समस्या जो मेरे ख्याल लाखों हजारों लोगों को परेशान करती है। और इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी एक इंस्टेंट फेसलिफ्ट जो आप घर पे बड़े आराम से और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही खूब एंटी एजिंग ऑयल है जो आमतौर पर हम रोज़ ही अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वो है आलमंड ऑयल। एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारी आईज़ के एरिया पे सबसे पहले दिखने लग जाते हैं। इस एंटी एजिंग ऑयल को या बादाम के तेल को आप सिर्फ स्पॉट करेंगे आईज़ के अराउंड, एंड ऑल्सो स्पॉट करेंगे पूरे फेस पे। हमेशा जब भी आप मसाज करें अपवर्ड स्ट्रोक्स में करा करें, क्योंकि हमें बेसिकली स्किन को लिफ्ट करना है। या देख रहे हैं, एक बहुत ही पतला हमने परत बादाम के तेल की लगा दी है पूरे स्किन पे। अब हम बनाएंगे एक एग वॉश। इसके लिए आपको चाहिए एक ठंडा एग, इसका वाइट का हिस्सा हम अलग करेंगे। इस वाइट को हमने व्हिप करना है जब तक इसके पीक्स ना बने। इसको आप जब अच्छी तरह फेंक लेंगे एग वाइट को, तो ये बिल्कुल झाग की तरह बन जाता है। ये हमने करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको आपने थोड़ी सी कॉटन में लेके, जो आपने बादाम का तेल स्किन पे लगाया है उसको आप कॉटन पे लेके स्किन पे लगाएंगे। इससे एक बहुत ही ठंडी और सूदिंग फीलिंग आएगी स्किन पे। अभी आप देख रहे हैं कि जो इनके आईज का एरिया है वहाँ पर ये एग वॉश जो है मैं अपर लिड पे भी एंड लोअर लिड पे लगाने जा रही हूँ। मेरी ये सलाह होगी कि जब भी एग वॉश फेस पे लगाया जाए तो बात ना करें, आंखें बंद करके लेट जाएं किसी शांत जगह पे, और आप फील कर पाएंगे कि जैसे जैसे ये सूखता जाएगा आपकी त्वचा जो है वो खिंचती जाएगी। ये टाइटनिंग एक्शन जो है इसी के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ एग वॉश देता है, एक त्वचा में चमक देता है जिससे आपके चेहरे पे एकदम इंस्टेंट फेसलिफ्ट महसूस हो जाएगा और आपकी जो त्वचा है वो टाइटेंड एंड यूथफुल लगने लगेगी। आज का हमारा वर्कआउट एक फुल बॉडी वर्कआउट है। हम 2 एक्सरसाइजेस करके अपनी पूरी बॉडी की मसल्स को वर्कआउट करने वाले हैं। आप इस तरह मैट पे आ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने हिप से थोड़ा सा पीछे ले जाइए और ऊपर की ओर रेस कीजिए। हम अपने दोनों आर्म्स को नीचे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से मूव करेंगे। आपका सारा वेट आपके आर्म्स पे आना चाहिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगती है, इसके डिफ़िकल्टी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। एक लेग ऊपर ले जाइए, आपके एल्बोज पूरी तरह से बेंड होके उठनी चाहिए। इसकी डिफिकल्टी लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं ऊपर की ओर किक करके। दस से 15 बार इसको रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी लेग पे भी रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बैक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से आप अपने हाथों और पैरों पे आ जाइए और अपने पेल्विस को रेस रखिए। अपने टोज की ओर देखते रहिए, अपने ब्रेथ को नॉर्मल रखिए और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड रखिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस से एक फुल बॉडी वर्कआउट हम पा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी आईब्रोज को और भी शेपली और डिफाइंड कैसे बना सकते हैं।
आईब्रो पेंसिल्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने से अक्सर हमारी आईब्रोज थोड़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती हैं, इसीलिए आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आईब्रोज को बनाने के लिए हम आज ब्राउन आई शेडो का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैट टेक्सचर की है, यानी उसमें कुछ भी शिमर या ग्लिटर बिल्कुल नहीं है। इसे करने के लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं एंगुलर ब्रश। ये एक एंगल पे होता है और इसीलिए इसे एंगुलर ब्रश कहा जाता है। ये आसानी से मिल जाता है। इस ब्रश को आई शेडो में हल्का सा डिप करें, प्रोडक्ट पिक करें और अपनी आर्च से शेप करना शुरू करें, कुछ इस तरह, बहुत ही हल्के हाथ से। यही नहीं, कई बार हमारे आईब्रो के हेयर थोड़े लंबे होते हैं या फिर उनकी ग्रोथ नीचे की तरफ होती है, तो उस हेयर को सेट करने के लिए आप ट्रांसपेरेंट मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। अपनी आईब्रो को हल्का सा लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रोक करेंगे ताकि हेयर शेप में आ जाएं। इसी तरह आप दूसरी आईब्रो के लिए करेंगे, ऊपर की तरफ हेयर को कोम करें। आसान था ना? फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं #fitrahe india के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।